हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार शुक्ला, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से सेकंड फ्रॉक का स्टूडेंट। और हमारे साथ में है डॉली मंडल, वो अपना इंट्रो खुद देंगी। हेलो, माय सेल्फ डॉली फ्रॉम एम्स गोरखपुर, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एम्स और जीएमसी, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है, इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, और आपको क्या चूज करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या हमको सबको फ़ायदा होगा अगर जीएमसी लें, और क्या फ़ायदा होगा हमको अगर एम्स लें, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में पेशेंट लोड कैसा है और कैंपस लाइफ कैसी है, और बहुत सारी चीज़ों के जो मैं क्वेश्चन के रूप में रखा हूँ, तो क्वेश्चन एक एक करके पूछते रहेंगे, और पूरा डिस्कशन होगा कि कैसी लाइफ है एम्स की और कैसी लाइफ है जीएमसी की। तो हम पहला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉली मंडल जी से कि नीट के रिजल्ट आने से पहले आपको किस कॉलेज की एक्सपेक्टेशन थी, और नीट का रिजल्ट आने के बाद में क्या लगा था कि कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? नीट के रिजल्ट के आने का पहले मेरे को उम्मीद था जो मेडिकल कॉलेज कोलकाता अपने स्टेट से मिल जाएगा, और एम्स में कोई भी एम्स जो न्यू बना है वो सबसे कोई भी मिल सकता है। बट बाद में नीट रिजल्ट आने के बाद कंफर्म हो गया न्यू एम्स जो बना है उसी में से कोई एक मिलेगा, मेडिकल कॉलेज कोलकाता स्टेट से मिल सकता है, बट नहीं भी मिल सकता है क्योंकि एनआईएस में मिल सकता है ऐसा कुछ। और यही अगर क्वेश्चन मेरे तरफ आता है तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा उतना बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं था, तो मैं एक्सपेक्टेशन क्या हुआ था कि जो टॉप 6 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमको मिल जाएं। लेकिन पहले राउंड में मैंने लिया ही नहीं, अपने पास का बहराइच मेडिकल कॉलेज लिया, उसके बाद में आजमगढ़ गया, उसके बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आया हूँ। तो मेरी बहुत लंबी कहानी हो गई थी, इनको तो पहले राउंड में मिल गया, उसके बाद में फिर आगे काउंसलिंग ही नहीं करवाई, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉलेज मिलने के बाद कैसा फील हुआ, जब आपको गोरखपुर अलाट हो गया, एम्स गोरखपुर, तब कैसा फील हुआ, और आपके घर वालों पे कैसा माहौल था, घर वाले क्या सोच रहे थे उस समय? एम्स गोरखपुर एक तो घर से डिस्टेंस में ज्यादा है, 700 किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए घर वालों से थोड़ा सा मतलब मन नहीं था, बट एम्स के कारण घर वालों की थोड़ा एक्साइटमेंट है उसके अंदर भी। फिर उसके आगे बाद मेरे को लगा जी इसका एनवायरनमेंट सही है, माहौल भी सही लगा, उसके बाद सब कोई खुशी हो गए थे एम्स गोरखपुर में, फाइनली मैं एडमिशन ले ली। चलो बहुत अच्छा, एम्स मिलने के लिए अच्छा। जब आप पहली बार कॉलेज में आए, तो जब कॉलेज को देखा, तो वो फर्स्ट साइट जो व्यू होता है कॉलेज देखने का, तो कैसा लगा कॉलेज आपको? कॉलेज देखने के बाद एक ही बार बहुत अच्छा लगा था, इसलिए तो मैं एक ही बार में मेरा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म कर दिए थे, उसके बाद में सेकेंड राउंड के लिए अपडेट भी नहीं किए थे। मेरे पर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं मापम में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पाया हूँ, तो मुझे लेना ही था, चाहे जैसा भी होता, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अभी बन रहा है, और बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई हैं अभी, और बन रही हैं, तो अब तो बहुत अच्छा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही पुराना था इसलिए लोग हल्का पीछे हटते थे, लेकिन अब न्यू हो रहा है धीरे धीरे। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एम्स गोरखपुर का? एम्स ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि न्यू बना है, तो सब कुछ न्यू है, बिल्डिंग एंड हॉस्टल सब कुछ अच्छा है, ओपीडी आईपीडी भी बहुत अभी बनी रहा तो अच्छे से बना है, मतलब कंफर्टेबल है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कंफर्टेबल है, कहीं भी डैमेज नहीं है ऐसा टाइप। हाँ, कंफर्टेबल है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में अगर हम बीआरडी और एम्स का कंपैरिजन करें, तो एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बीआरडी से तो अच्छा ही है, क्योंकि नया बना है एम्स, तो नया बना है तो नई कैटेगरी से बना है, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज 1966 में बना है, तो हाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एम्स से। और लेकिन माननीय योगी जी के रहते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बहुत आगे जा रहा है, और बहुत सारी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स की बिल्डिंग बनी, सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बन चुकी है, और साथ में अभी कार्डियोलॉजी की एक बन रही है, और जो दिव्यांग जन है उनके लिए एक हॉस्पिटल नया बन रहा है, तो बहुत सारी बिल्डिंगें नई बन रही हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का है वो भी बहुत अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि कैंपस लाइफ कैसी है आखिर एम्स गोरखपुर की? कैंपस
कैंपस लाइफ यहाँ का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंपस न्यू बना है तो सब कुछ अभी गार्डन की तरह मतलब सजा हुआ है, सब कुछ अच्छा है। घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है कैंपस में, हम लोग हमेशा रहते हैं लोगों के साथ कैंपस, रात में खाना खाने कैंपस लाइफ एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जितने भी टाइम मिलता है उसी टाइम घूम लेती हूँ हर एक दिन कैंपस में, घूमने टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि खाना खाने के टाइम या और चीजों में हम कैंपस लाइफ एंजॉय करते हैं। तो कैंपस लाइफ के बारे में बात हुआ कि कैंपस लाइफ के बारे में बताया कि अच्छे से घूम सकते हो, मतलब शाम को खाना खाने के बाद में या सुबह आप जिस टाइम चाहें तो कैंपस में फ्री होकर घूम सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मतलब कैंपस में। और साथ में कैंपस में खेल कूद तो होता ही होगा, आपस में गैदरिंग होती होगी, ऐसा क्या होता है एम्स में? ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब बातचीत होता है सब अच्छे से, फ्रेंड लोगों के साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं जिसको जो करना है। भी होली होली का वीडियो ये सब कचरा नहा रहे हैं, एक दूसरे को कचरा फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसा भी हो रियल में करके कैसा फील होता है? हाँ एंजॉय तो होते हैं यहाँ पे, हम तो छोटे से लेके बड़े चीज सब कुछ को थोड़ा बहुत मतलब एंजॉय कर ही लेते हैं जो जितना टाइम मिलता है मतलब क्लास करने के बाद। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेग्राउंड कौन कौन से हैं और खेलने में आपकी रुचि है या और सबकी जो रुचि होती है पूरी होती है कि नहीं? मेरे को तो खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए मेरे को प्लेग्राउंड में कभी तो मैं जाती भी नहीं हूँ, बट यहाँ पे प्लेग्राउंड है जस्ट लाइक बैडमिंटन फुटबॉल एंड वॉलीबॉल ग्राउंड अच्छे से बना हुआ है, बट मेरे को खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मेरा कुछ मैटर में ना आइडिया नहीं है। अगर बीआरडी के बारे में बात करें, प्लेग्राउंड के बारे में, तो बीआरडी में खेलने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आपको। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन सभी कोर्ट मिल जाएंगे, और हर तरीके का टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, जो आप खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, और इसमें टीचर्स भी आपके यहाँ सामने पे होते भी हैं इंडोर खेलने गेम के भी लिए। ऐसा नहीं है, जिसको इंटरेस्ट है वो खेलते हैं। हाँ, जिसको इंटरेस्ट है वो तो खेलता ही होगा। हमारे सबके यहाँ भी काफ़ी मतलब खेल कूद में ज़्यादा ही आगे रहते हैं लड़के, और बीआरडी और एम्स में इंटर कॉलेज मैच भी होते रहते हैं, इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच भी होते रहते हैं, क्रिकेट मैच भी होता रहता है, तो ये सब भी एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलके कोऑर्डिनेट करके अच्छा खेल होता है। और खेलने कूदने के बजाय और सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इंजॉयमेंट ले सकते हैं, बहुत सारी क्विज भी करवाता है एम्स और बीआरडी मिलके, एम्स अलग भी करवाता है, बीआरडी भी अपना अलग करवाता है, और बहुत सारे ऑकेशन होते हैं जैसे कि ब्लेज होता है यहाँ पे, तो ब्लेज लगभग 1.5 महीने चलता है जिसमें खेल कूद ही होते हैं, उसमें बहुत सारे खेल होते हैं, ना कि ये जो मेजर प्ले हैं वही नहीं होते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, लड़कियों के लिए भी होते हैं, लड़कों के लिए भी होते हैं। चलो ठीक है, प्लेग्राउंड के बारे में बात हो गया, और अब हम अगली बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर के टीचर कैसे थे और कैसा फील हुआ फर्स्ट ईयर पास करके। फर्स्ट ईयर के टीचर बहुत अच्छे थे, मतलब फर्स्ट ईयर के यहाँ पे जो भी HOD थे टीचर थे सब बहुत हेल्पफुल थे, मेरे को छोटी छोटी मैटर्स से लेके हेल्प करते थे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ टीचर के पास पास चले जाओ, वो लोग आराम से सॉल्व कर देते थे। यहाँ ऊपर से यहाँ पे मेरा मेंटर मेंटी प्रोग्राम भी होता है, क्योंकि एक टीचर के पास दो स्टूडेंट रहते हैं, तुमको कभी भी बात करना है, तुमको कोई भी जरूरत हो, तुमको कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा पर्सनल लाइफ लेके, तो पढ़ाई लिखे दिक्कत है जाके तुम उनको बता सकती हो, वो तुमको ज्यादातर जिस मैटर को उस पर हेल्प कर सकती है तुमको। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप तो फर्स्ट ईयर के बहुत अच्छा था, बट सेकेंड ईयर में मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन क्लास नहीं हुआ है। चलो ठीक है, रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं? पढ़ाई तो अच्छी होती है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास के मामले में कभी बहुत अच्छा, हर एक दिन क्लास होता है, टीचर लोगों का ध्यान भी रहता है कौन स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, अटेंडेंस यहाँ पे बहुत मायने रखता है, 80% अटेंडेंस होना ही चाहिए। हाँ वो तो सभी कॉलेजों के लिए कंपलसरी होता है, 80%, 75% मिनिमम। अगर बीआरडी की बात किया जाए तो बीआरडी में भी बहुत अच्छे टीचर हैं, और एनाटॉमी डिपार्टमेंट बेस्ट फैकल्टी है पूरे यूपी में, और साथ में फिजियोलॉजी भी। यहाँ पे मेन बात है जो HOD सर पढ़ाते हैं, HOD सर बहुत जगह देखते हैं कि बहुत कम क्लास लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं HOD सर की, और सभी फैकल्टी की जो
ऐसा पढ़ाते हैं कि आप समझ जाएं। देखो एक चैलेंज होता है टीचर के सामने कि 1 घंटे में 1 चैप्टर ख़त्म करना पड़ता है CBME के अनुसार। अब उस टाइम में बहुत चीज़ें पढ़ाना नामुमकिन होता है, लेकिन तब भी वो टीचर हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं, जिससे लड़का समझ जाए सेमिनार के रूप में या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के रूप में और या लेक्चर के रूप में। कई तरीके अपनाते हैं जिससे लड़का आसानी से समझ जाए। तो टीचर तो बहुत ही अच्छे हैं BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के, सभी टीचर अच्छे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। और अभी एक कंपटीशन हुआ था एम्स और गोरखपुर, एम्स और BRD का, उसमें टीचरों ने इतनी सारी मदद की है और इतने सारा हेल्प किया है, लग गए हैं पीछे लड़कों के। तो किसी भी चीज़ में हेल्प करते हैं टीचर लोग यहाँ, टीचर यहाँ के, और एक क्रेविंग पैदा करते हैं कि जीत के लिए या कहें आप कंपटीशन को विन करने के लिए क्रेविंग दे देते हैं लड़कों को। तो टीचर फर्स्ट ईयर के बहुत अच्छे हैं। सेकेंड ईयर में देखा जाए तो सेकेंड ईयर मेरी अभी कुछ ही क्लास हुई है, लेकिन तब भी सेकेंड ईयर में जो यहाँ पर है ये नीट PG को क्रैक करने के लेवल का पढ़ाया जाता है। यानी कि यहाँ पे पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में MCQ भी करवाते हैं क्लास में ही। तो क्लास में MCQ करवा देते हैं, जिससे एक फ़ायदा होता है कि हमको PG लेवल का मिल जाता है स्वाद, जैसे कहेंगे, यानी कि PG लेवल का हमको तैयारी करवा रहे हैं अभी से। तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि कुछ टीचर का नाम भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डॉक्टर बाल हैदर करवाएंगे। बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाना। तो अभी जितनी क्लासेस की हैं उसमें ये लग रहा है कि बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, जितने भी मिले हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एम्स में भी अच्छे टीचर नहीं है जो कोई खराब है? हाँ, एम्स तो है ही, तो एम्स में तो अच्छे टीचर हो ही। हम कहीं टीचर की बुराई नहीं कर रहे हैं, टीचर हर जगह के अच्छे होते हैं, बस पढ़ने की शिद्दत होनी चाहिए और कैसा पढ़ा रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है, पढ़ने वाला कैसा है उस पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन से लगे आपको? मेरे लिए सबसे टफ बायोकेमिस्ट्री था। हाँ, समवाट हमारे यहाँ भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री दिन भर रटो रात को सफा हो जाती है, रात भर रटो दिन में सफा हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री टफ है, क्योंकि टफ क्यों है, क्योंकि लड़के कम टाइम देते हैं या समझ में नहीं आता है या टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्या कारण है इसका? के हम सबको क्या होता है कि रिलेट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल, वैसे जैसे हम एनाटॉमी में देख लिए, पूरा डिसेक्शन करके देख लिया कि पार्ट कैसे हैं, कहाँ पर अरेंज हैं, वैसे हम सब बायोकेमिस्ट्री में नहीं देख पाते हैं। और हमको अगर परफॉर्मेंस करवाया जाता है कोई एक्सपेरिमेंट का, तो उसमें हमको किसी टेस्ट ही करना होता है कि ये है कि ये नहीं है, हमको केमिकल फार्मूला कैसे आया क्या नहीं, वो सब उसका फीलिंग नहीं आता है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री हल्का टफ हो जाती है। लेकिन तब भी बायोकेमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किए हमारे यहाँ के लड़के, बहुत अच्छा किए हैं, तो बायोकेमिस्ट्री भी हमारे यहाँ की किसी की वीक नहीं थी। और चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटर्नशिप के लिए और आगे हमारे करियर के लिए, कि हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे जब तक आप अच्छे टीचर अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो हॉस्पिटल कैसा है और हॉस्पिटल पेशेंट लोड कैसा है आपके एम्स में, इसके बारे में बताइएगा कुछ। एम्स में पेशेंट लोड मतलब न्यू बना है तो थोड़ा कम है, बट ऐसा भी नहीं है बहुत कम है। मतलब हम लोग को देखने में तो सेकेंड ईयर में जाते हो तो बहुत अच्छा खासा है, पेशेंट देखने में मिल जाता है, बहुत वैरायटी का पेशेंट भी मिल जाता है, मतलब बूथ का जो कॉम्प्लिकेशन के साथ आया है अलग अलग कॉम्प्लिकेशन का पेशेंट भी मिल जाता है, तो थोड़ा कम ही, बट उतना भी कम नहीं है। ये अच्छी बात कही आपने, एम्स में थोड़ा पेशेंट लोड कम है क्योंकि नया बना है, लेकिन BRD मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना होने के कारण पेशेंट लोड बहुत ही अच्छे हैं, हर तरीके के रोगी यहाँ पर मिलते हैं। लगभग 3,000 से 3,500 OPD है पर डे का यहाँ, तो काफ़ी कसाकसी का माहौल रहता है, यानी कि जल्दी दवाई नहीं मिल पाती, इतना भीड़ रहती है। हम सब पोस्टिंग में गए हैं फर्स्ट डे, तो देखें कितनी सारी भीड़ होती है और कितना ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत सही से डॉक्टर देख भी नहीं पाता है, तो एक ये भी दिक्कत होती है। लेकिन पेशेंट ज़्यादा होने से हम सबको फ़ायदा है, क्योंकि हम सब ज़्यादा मरीज़ देख लेते हैं किसी एक रोग का। चलो अच्छा है, चाहे जो पेशेंट लोड हो, बस पढ़ने का, और अगर आपको हर एक मरीज मिल जा रहा है हर एक डिजीज़ का, तो बस वही उतना काफ़ी होता है पेशेंट लोड में। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रैगिंग होती है कि नहीं होती है एम्स में? रैगिंग
एम्स बिल्कुल रैगिंग नहीं होता है। तो क्या तुमको लगता है बीआरडी में रैगिंग होती है? बीआरडी में भी रैगिंग नहीं होती है। बीआरडी जो पहले मान लो होता भी था, होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होती है रैगिंग। रैगिंग नहीं होती हमारे सबके बीच में, जूनियर के बीच में बांड होता है, इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और रैगिंग का नाम नहीं होता है, रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। चलो ठीक है, रैगिंग के बारे में बात हो गया। अब फिर से एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर पास करने के बाद क्या बोलोगी? फर्स्ट ईयर पास करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ा था ऑब्वियसली, बट उसके बाद जब रिजल्ट आया, जब पास हो गया, तो बहुत सही है, एक्साइटमेंट हो गया जब पास हो गया। उसके बाद सेकंड ईयर में फाइनली अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो जर्नी भी बहुत टफ था, बट टफ के साथ अच्छा भी था। चलो मेरे बारे में पूछा जाए तो मेरा एनाटॉमी में ऐसा था कि मेरे 0-0 मार्क एक पेपर में थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जब पेपर हुआ तो सेकंड पार्ट मेरा पूरा छूट गया था। अब पूरा सेकंड पार्ट छूट गया तो आशा नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट अच्छा किया था और साथ में सेकंड पेपर अच्छा किया था, इसलिए दोनों का मिला के मेरा मार्क अच्छा आ गया और मैं पास हो गया। तो मैं इसमें शुक्रिया देना चाहूँगा भगवान का और उस टीचर को जिसने मेरा चेक किया और मुझे अच्छा नंबर दे दिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा नहीं था, मैंने 3 घंटे में एक ही पार्ट लिखा, तो मैंने बहुत अच्छा लिखा था पहला पार्ट, इसलिए मुझे अच्छा